हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। इसके पहले की वीडियोस में मैंने 7.2 फिनिश कर दिया था। ओके, 7.3 बच्चों बेसिकली किस पर बेस्ड है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है कि एरिया ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। लेट द वर्टेक्स ए हैविंग कोऑर्डिनेट x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। तो हमारे पास एरिया ऑफ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या होता है बच्चों, वो होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 x3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। बहुत लर्न करना बहुत ईजी है। कैसे लर्न करेंगे? क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। तो x कोऑर्डिनेट कितने होंगे? x1 x2 x3 3 होंगे। y कोऑर्डिनेट कितने होंगे? वो भी 3 ही होंगे, y1 y2 y3। तो जब हम x1 लिखेंगे तो अगला नंबर क्या आता है? 2। तो y2 माइनस y3, राइट, प्लस x1 हो चुका है। x2 के लिए क्या लिखेंगे? x2 के लिए जो बचा, x2 के बाद क्या आता है? x3 y3, है ना, y3 3 टर्म, y3 माइनस y1, राइट। इसी के साथ जब हम x2 हो चुका है, x3 आएगा, तो उसमें क्या लिखेंगे? y1 x3 यहाँ पर है, y1 माइनस y2। इसे बहुत ही इजीली हम फार्मूला लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो इससे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, है ना। अब एक कंडीशन इसमें एक आती है आपको, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कोलिनियरिटी, जब पॉइंट ए की लाइन पे होते हैं तो कोलिनियर होते हैं, और उनके लिए कंडीशन बताई थी। सपोज पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, कोलिनियर होने की कंडीशन। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ी थी? AC is equal to AB plus BC हो जाए तो पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं ABC, ओके। एरिया का फार्मूला हमारे पास ये है, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए तो क्या ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल फॉर्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन में ऐसे आ जाएंगे वो ABC। अगर एक लाइन में आ जाए तो क्या आएगा? ABC। तो ट्रायंगल का एरिया ही नहीं रहेगा, यानी ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो हमें क्या कंडीशन मिल गई कि पॉइंट क्या होंगे, वर्टेसेस क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हमें एक कंडीशन और मिलेगी कोलिनियरिटी की, कि अगर हम ट्रायंगल के एरिया को 0 प्रूव कर दें तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर, राइट। तो अब हम कोलिनियरिटी की कंडीशन लिखते हैं, सी कोलिनियर होंगे कब पॉइंट? जब कोलिनियर पॉइंट विल बी कोलिनियर, क्या हो जाएगा? व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम 0 इक्वल टू 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे और उसको 0 के बराबर देंगे। हाफ क्या लिखेंगे? मैंने कहा था बहुत इजी, x1 लिख दिया, x1 के बाद नंबर क्या आता है? y2 माइनस y3, फिर x2 लिख दिया, प्लस x2 लिखिए, x1 लिख दिया था, तो y3 माइनस y1, ओके, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको नीचे लिख देते, प्लस x3 और यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 के बाद 1, y1 माइनस y2। दिस होल शुड भी क्या होना चाहिए? 0। तब ये पॉइंट क्या होंगे? वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। अब देखो ये हाफ इस साइड चला गया, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, या आप इसको भी लिख सकते हैं, बाद में तो इसको 0 कर देंगे। तो कोलिनियरिटी की हमारे पास एक और कंडीशन आ गई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाए तो सारे वर्टेसेस या पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। इसके बेस पर अब हम एक्सरसाइज 7.3 का इक्वेशन करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। इसको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, बाय हार्ट कीजिए,
क्योंकि बोर्ड बिल्कुल नजदीक है ना। क्वेश्चन लेता हूँ मैं डायरेक्टली, ओके ये क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर वन, और इसको साथ ही इरेज कर देते हैं, राइट इसको इरेज करते हैं हम और क्वेश्चन लिखते हैं, ओके इसको इरेज कर देते हैं और ये फार्मूला लिखे रहने देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, राइट। अब आपको दिया हुआ है ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं, ओके क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 7.3, इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो गया। और ये है क्वेश्चन आपका, बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेसेस आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेसेस क्या है, ए दे रखा आपको 2.3, ओके एंड बी है माइनस, बी है माइनस 1.0 एंड सी दे रखा आपको, सी है 2.-4, सी को 2.-4, ये है पॉइंट सी, हमें तीनों वर्टेसेस दिए हैं और हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना, इसका क्या निकालना है, एरिया, एरिया वाले फार्मूले में सिंपली हम पुट कर देंगे इसका, तो हम पुट करते हैं एरिया, एरिया का फार्मूला ये है हाफ एक्स वन, इसके ऊपर लिख लीजिए आप, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन को ना एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री लिख देंगे, सो दैट वैल्यू पुट करने में इजीनेस हो, करें तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ ब्रैकेट में एक्स वन कितना है आपका, एक्स वन टू, राइट, और फिर क्या आता है वाई टू, वाई टू कितना है जीरो, और माइनस वाई थ्री, वाई थ्री कितना है माइनस फोर, तो माइनस फोर ऐसे लिखेंगे और इसको ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस एक्स टू कितना आपका, एक्स टू, एक्स टू माइनस वन है, माइनस वन, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स वाई थ्री, वाई थ्री कितना आपका, वाई थ्री माइनस फोर, राइट, और अंदर वाई थ्री माइनस, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई वन कितना है माइनस थ्री, राइट, फिर प्लस एक्स थ्री कितना है, एक्स थ्री दे रखा है टू, और अंदर ब्रैकेट में कितना हो गया, वाई वन कितना है, वाई वन थ्री, और माइनस वाई टू कितना है, वाई टू जीरो, तो ये हो गया माइनस जीरो। सॉल्व करें देखें तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ अंदर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा टू इंटू फोर, राइट, प्लस और ये कितना हो गया, माइनस 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 सेवन, और माइनस वन इंटू माइनस सेवन, इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, राइट, और इसको करते हैं प्लस टू इंटू थ्री, और ये हो गया आपका सिक्स, और सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू एट, और ये माइनस माइनस इंटू हो गया तो प्लस हो जाएगा, माइनस वन माइनस सेवन इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस सेवन और प्लस सिक्स, ये आ गया हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेशन। अब क्या हो गया, इनको ऐड करेंगे, एट प्लस सेवन फिफ्टीन, और सिक्स कितना होता है 21, तो आ गया आपका 21 बाय 2 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो ये है असर मैथ के फीवर का, है ना, तो आप लोगों में चढ़ गया होगा फीवर और क्वेश्चन हो रहे हैं इजीली, राइट। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं, इसके रेगुलर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स आल्सो, ओके गाइस, बाय एंड डू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।